आज चीनियों ने बहुत सख्त स्टेटमेंट दी है, और एक जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक जो एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसको बोलते हैं JCC, उसका इजलास भी आज होना था, वो भी कैंसिल हो गया है। इस वक्त की जो पोजीशन है, JCC की मीटिंग कैंसिल होना, मजीद पोस्टपोन होना इज समथिंग विच इज नॉट अ गुड साइन। अगर चाइनीज चाहते तो वो कहते जी नहीं ठीक है, हमें पता है इन चीज़ों का और हम करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर कि वो हमें कुछ करके दिखाएं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स। जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा, और व्यूअर्स आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि क्या चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कोई ट्रस्ट डेफिसिट है। क्योंकि अगर आपको याद हो कि कल ही जो चीनी जो वर्कर्स हैं उन पे हमला हुआ, पहले हुकूमत पाकिस्तान ने, फॉरेन ऑफिस ने कहा कि ये गैस का धमाका है, बाद में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा नहीं कि जी हमें पता चला है ये एक्सप्लोसिव्स थे, उसके ट्रेसेस मिले हैं, दहशतगर्दी का वाकया है एंड ऑल दिस। चीनियों ने भी बड़ा इस पर स्लो रिस्पॉन्स दिया, लेकिन आज चीनियों ने बहुत सख्त स्टेटमेंट दी है, और एक जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसको बोलते हैं JCC, उसका इजलास भी आज होना था, वो भी कैंसिल हो गया। और मजे की बात है, ये इजलास, ये जो मीटिंग थी, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग थी, ये तकरीबन 1.5 साल बाद हो रही है, और जिसमें चीन और पाकिस्तान के हाईएस्ट ऑफिस लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं वो मिलते हैं। ये 16 जुलाई को आज ये होनी थी, मीटिंग होनी थी, और ये मीटिंग क्यों नहीं हो पाएगी? अब ऑब्वियसली इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट डिस्कस होने थे, इसमें मेन लाइन जो मेन, जिसे आप रेलवे मेन लाइन वन, जिसे ML1 प्रोजेक्ट कहते हैं, वो डिस्कस होना था, और इस पर मोडेलिटीज डिस्कस होनी थी, और ये तकरीबन 9 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट समझा जाता है, और वैसे भी DML1 और दूसरे मिला के को 50 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट डिस्कस मजीद होने थे पाकिस्तान और चीन के। और आपको बताता जाऊं कि ये जो JCC है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम है जो व्हेन इट कम्स टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बेसिकली 2015 में, 2015 में बना था, और इसका मकसद ये था कि हर 6 महीने बाद मीटिंग होगी, और लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी वो नवंबर 2019 में इसकी मीटिंग हुई थी, अब कल होनी थी, और ये वाकया जो पाकिस्तान में हो गया, अब इसने एक नए रुख दे दिया है। पाकिस्तान पे प्रेशर आया है, और बड़ा सीरियस प्रेशर आया पाकिस्तान पे, और जिन लोगों ने ये हमला करवाया है उनको पता था ये मीटिंग कल हो रही है, और वो लोग चाहते हैं कि चीजें पाकिस्तान और चीन के दरमियान खराब हों। जहां पे पाकिस्तान अगर वो डिलीवर नहीं कर पाएगा तो चीन अपना वो टफ लाइन लेगा। अब अगर आप देखें कि जो चाइनीज फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है। चाइनीज आई थिंक जो एम्बेसडर हैं वो भी उस पर जगह पे दासू पे पहुंचे हैं विद चाइनीज मिलिट्री, और वो अपने सारे लोग लेके गए हैं, और उन्होंने वहां पे देखी हैं, चीजें देखी हैं, और सुनने में आ रहा है कि कोई टीम भी आएगी पाकिस्तान में जिसमें वो इन डेप्थ असेसमेंट करेगी, सिक्योरिटी रिस्क जो हैं उनको देखेगी। और ये जो जो चाइना ने वो ये कहा है कि वो ये अपनी टीम भेजेंगे। मैं अगर देखूं कि जो चाइनीज और पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो रابطे में तो हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो कोई एफर्ट जो है वो मिस नहीं होने देंगे। क्या हुआ है इसकी एक इन डेप्थ असेसमेंट होगी, और जो सिक्योरिटी रिस्क हैं चीनियों को वो भी, और जो चीन चाइनीज हैं उनको हम चाहेंगे कि एटमोस्ट जो वो सिक्योरिटी मिले। और वो उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तानियों को कहा है कि कोई वक्त जाया ना करें इन कंडक्टिंग थॉरो इन्वेस्टिगेशन, और प्रॉपरली ट्रांसफर करें और ट्रीट करें जो वॉन्टेड हैं, और बाकी जो हैं, और जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो स्ट्रेंथन किए जाएं, जो सिक्योरिटी रिस्क है उनको एलिमिनेट करें, और इंश्योर करें कि सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज जो पर्सनल है जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स में वो मेक श्योर की जाए। अब ये ऑब्वियसली एक बड़ी, जिसे आप समझ लें कि एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं। मीटिंग होनी थी JCC की,
और मीटिंग किस चीज की हो रही है, मीटिंग हो रही है जनाब की चाइनीज को सिक्योरिटी रिस्क किस लिए। पहले अगर मैं जेसीसी की बात करूं, हर 6 महीने बाद मीटिंग होनी थी, 2015 में वो बना और आज तक जो लास्ट मीटिंग है वो 2019 में हुई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ना तो चीनी अदारों पर यकीन रखते हैं और ना हमारी लीडरशिप जो है वो अदारों पर यकीन रखते हैं। ये फैसले करना पसंद करते हैं वन ऑन वन। हमारे यहाँ पे जो स्टाइल है, हमने भी चीनी मॉडल अडॉप्ट कर लिया है, एक बड़ा बंदा बैठेगा, दूसरा बड़ा बंदा बैठेगा, फैसले कर लेगा और कहेंगे जी जाए इम्प्लीमेंट कर दें। ये एक इंतहाई अनप्रोफेशनल एक तरीकाकार होता है किसी भी स्टेट के प्रोजेक्ट्स को रन, और इसके लिए मेरा ख्याल है चीनियों को चीनी चाइनीज के साथ और बाकी जो रीजनल पार्टनर्स हैं उनके साथ इस चीज को एक मसले को हमेशा के लिए डिस्कस कर लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म इस मसले को लेके चलना है कि ये जो अफगानिस्तान की सिचुएशन अभी की है, जो अभी की अफगानिस्तान की सिचुएशन है, उसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जाए, ताकि अगर इफ समथिंग बैड गोज ऑन, अगर कोई ऐसा वायलेंस की आता है, साइकिल आता है पाकिस्तान में, जो कि उम्मीद है कि नहीं आएगा, बिकॉज दी लॉ एंड ऑर्डर जो फोर्सेज है उनकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है। दी ओनली थिंग इज के व्हेन दे हैव द थ्रेट इन फ्रंट ऑफ देम दे कैन डील इट, लेकिन ये जो लोन वॉल्फ छुपे होते हैं कहीं इधर उधर, सिंपथाइजर्स छुपे हुए हैं, इनको भी नेटवर्क को खत्म करना है ताकि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये ना बढ़े। अदरवाइज इस वक्त की जो पोजीशन है, जेसीसी की मीटिंग कैंसिल होना, मजीद पोस्टपोन होना इज समथिंग विच इज नॉट अ गुड साइन। अगर चाइनीज चाहते तो वो कहते जी नहीं ठीक है, हमें पता है इन चीजों का और हम करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर कि वो हमें कुछ करके दिखाएं। और दूसरा ये कि पहले कौन सा जो है वो जेसीसी की मीटिंग इतनी रेगुलर होती है, जो अब नहीं होगी तो कोई क्यामत आ जाएगी चाइनीज के लिए। ये हमारे लिए सोचने की भी जरूरत है कि हम खुद ही अपने अदारों को भी मजबूत करें, अपने अदारों को इज्जत दें, ना कि ये कहते रहें कि हम सिर्फ इंडिविजुअल्स को इज्जत दें। इंडिविजुअल्स को इज्जत देना ठीक है आप देते रहें, लेकिन अदारों को इज्जत देना बहुत ज्यादा जरूरी है, विच आई फाइंड कि हमारे यहाँ मिसिंग है। और कोई भी पसंद नहीं करता अदारों को इज्जत देना, सारे समझते हैं ठीक है हम ताकतवर हैं, अदारे कमजोर रहते हैं, तो नहीं मैं जो चाहता हूँ वो डिलीवर हो। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले की बात है, चाइना की जो मीटिंग होने जा रही थी पाकिस्तान के साथ, जिसको बोलते हैं जेसीसी, वो मीटिंग कैंसिल हो गई है। ये मीटिंग पिछले 1.5 साल के बाद होने वाली थी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसमें पाकिस्तान के 5-6 साल के प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन करना था, मगर चाइना इतने गुस्से में आके पाकिस्तान को लास्ट वार्निंग दे दिया, अगर इसी तरीके से धमाके होते रहे हमारे नागरिकों के ऊपर तो हम ये सारे प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। इसको सुनने के बाद पाकिस्तान की सांसें अटक चुकी हैं, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें। एक तरफ तो तालिबान है, ऊपर से चाइना का प्रेशर और आ गया है, अब इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आगे का रास्ता किस तरीके से निकला जाए। इस समय बिल्कुल फंस चुका है पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी और ISI को चक्कर आने लगे हैं, अब उन्हें समझ भी नहीं आ रहा कि किस तरीके से संकट से निकला जाए। और आगे ऐसा ही चलता रहा तो चाइना बिल्कुल सारे प्रोजेक्ट लेके पाकिस्तान से चला जाएगा और पाकिस्तान बिल्कुल कंगाल हो जाएगा। और आगे देखिए फ्रेंड्स क्या होता है पाकिस्तान के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।